सारा मास्क अप्लाई कर चुकी हूँ, पूरा बोल एम्प्टी हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होमियर कैरेटाइन के लिए हमने चावल का आटा लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने चावल के आटे को जो है पानी में थोड़ा सा घोल लिया है। उसके अलावा यहाँ पे कोकोनट मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ और 2 विटामिन E के कैप्सूल्स और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके बालों पर सूट करता हो। अब हम 2 चम्मच भर के जो है कोकोनट मिल्क इसमें ऐड करेंगे। एक्चुअली फ्रिज में रखा था, थोड़ा फ्रीज हो गया है। अब इसको हम ऐड करते हैं। ये डाला मैंने 1 चम्मच और ये 2 चम्मच भर भर के। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 ही चम्मच ऑलिव ऑयल के, ये 1 चम्मच अंदाजे से डाल रही हूँ, और ये 2 चम्मच। ये आपकी बालों की लेंथ पर भी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है ये मास्क तैयार कीजिएगा। अब मैं 2 विटामिन E के कैप्सूल्स डालूँगी इसमें। आप विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 स्टेप भी मैंने डाल दिया है। अब इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे, जब तक कि सारी चीज़ें इसमें जो है प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए हमारे राइस फ्लोर के अंदर। अब हम मास्क अप्लाई करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको फिर से चेक करा देती हूँ, कुछ इस तरह से ये देखें। वैसे तो आप इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जितना अच्छा ये हाथों से लगेगा ना, ब्रश से नहीं लगेगा। और आप इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर लें, ब्रश करने के बाद बालों की सेक्शनिंग करें। मैंने थोड़ा लिक्विड इसलिए रखा ताकि ईजिली अप्लाई हो जाए, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो इसकी कंसिस्टेंसी और बिल्कुल ज़्यादा बहुत सॉलिड भी ना हो कि वो बालों में अटकने लग जाए। थोड़ा थोड़ा मास्क लेके इस तरह करके आपने इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, मैंने राइस फ्लावर यूज़ किया, जो कि राइस बेसिकली एज अ ब्यूटीग्रेंट वर्क करता है। ये आपके जितने भी डैमेज होते हैं उनको ये रिकवर कर देता है, रिपेयर कर देता है बहुत प्रॉपर तरीके से। सेकेंडली मैंने इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया, ऑलिव ऑयल जो फैट प्रोवाइड करेगा आपके स्कैल्प को नरिश करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने इसमें कोकोनट मिल्क ऐड किया। कोकोनट मिल्क बेसिकली आप बहुत ही कोई बेहतरीन रिजल्ट देगा, नेक्स्ट लेवल की शाइन देता है आपके बालों में, आपके बालों को सॉफ्ट कर देगा। इसमें विटामिन बी की सारी सीरीज है, विटामिन सी और विटामिन ई भी है। लास्ट में मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ किए हैं जो कि ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आप वो भी यूज़ करेंगे तो और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। आपके मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्पफुल रहेगा, आपके मॉइस्चर को लॉक कर देगा आपके बालों में। और अब मैंने फाइनली इस मास्क को अप्लाई कर दिया, मैं इसको 3 घंटे का रेस्ट दूंगी, उसके बाद हेयर वॉश करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। मैं अपने हेयर वॉश कर चुकी हूँ, अभी सूख जाएंगे तो और ज़्यादा रिजल्ट निकल कर आएगा। अभी से मुझे मेरे बाल बहुत सॉफ्ट और सिल्की फील हो रहे हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान सी रेमेडी और सीरियसली कमाल दिखा देगी आपके बालों में ये। कल मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ, टिल देन टेक केयर।